यस 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 नो यस 45,000 पॉइंट करा दिया, इनको भी स्टार एजेंट बना दिया इस तरह करते हुए। ये 12 पॉइंट कमीशन कितना मिलेगा मंथली? 31%। मेरे को क्या देख पाया हूँ पहले, दूसरी लोग एक गाड़ी नहीं खरीद पा रहे हैं उस बिजनेस के माध्यम से, और आज देखो मैं उस मीटिंग के बाद मैंने ये परिवर्तन लाया। और ये इतना बीमारी चल रहा है, इतना कैंसर चल रहा है, इतना तेजी से लोग बीमारियों की तरफ भाग रहे हैं, तो सिर्फ आंख बंद कर लेने से या मुंह फेर लेने से हमें कुछ ना कुछ करना पड़ेगा, कुछ एक्शन लेना पड़ेगा। अभी पीछे न्यूज में आर्टिकल आया है न्यूज़पेपर में, इंडिया नीड्स 1,00,000 मोर हॉस्पिटल्स, इंडिया को 1,00,000 हॉस्पिटल्स की और जरूरत पड़ेगी अगले 10 सालों में। कितने हॉस्पिटल्स तेजी से आने वाले हैं, तो आज यानी हॉस्पिटल खोल के भी क्या हम सिर्फ स्वास्थ्य का एंजॉय कर सकते हैं क्या? नहीं, रूट कॉज देखो कहाँ है, हमें रूट कॉज पे जाना पड़ेगा। प्रिवेंशन इज ऑलवेज बेटर देन इलाज, से बचाव बेहतर है एंड चीपर ऑल्सो, सस्ता भी है, राइट? सस्ता भी है। अभी आपने डायबिटीज का नाम सुना है, डायबिटीज इतना तेजी से फैल रहा है, इसके बारे में समझो क्या हो रहा है। डायबिटीज कैन अफेक्ट वेरियस पार्ट्स ऑफ योर बॉडी। क्या डायबिटीज सिर्फ एक बीमारी? ब्रेन, आईज, ओरल, हार्ट, स्टमक, किडनी, सेक्सुअल एंड नर्व्स एंड फूड, ये 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 9 अलग अलग ऑर्गन्स पे जाके ये इफेक्ट कर देंगे शुगर का। इस देर एनी सोल्यूशन? क्या डायबिटीज की मेडिसिन से हम कोई सोल्यूशन पे जा सकते हैं? राइट, अभी हमें इतने समझना पड़ेगा। अच्छा, प्रॉब्लम्स पे आते हैं। प्रॉब्लम है एसिड का, प्रॉब्लम है बात करो लोगों से कि भाई एसिड की प्रॉब्लम के लिए आप क्या करते हो, है एसिड का प्रॉब्लम, एसिडिटी का प्रॉब्लम, फिर दाने मुहासों का प्रॉब्लम है एसिड, राइट? फिर बाल झड़ने का, हाँ यार बाल तो बहुत प्रॉब्लम है, देखते रहेंगे बाल, ठीक है? आदित्य जी अपने बाल छू रहे हैं, ठीक है? ये प्रॉब्लम है, निकलने लगेगी पेट, ठीक है? एंड देन जॉइंट पेन, अभी हम लोग ज्यादातर लोग यंग हैं, इससे जॉइंट पेन की प्रॉब्लम ना हो, लेकिन होनी शुरू हो गई है। ये प्रॉब्लम्स हैं, ये सारी प्रॉब्लम तो है यार। अब एक बात बताइए आप, राजा कौन बनेगा, ऐसा स्वागत किसका होगा जो प्रॉब्लम का सलूशन देगा? प्रॉब्लम मार्केट में चारों तरफ फैली पड़ी है, घर घर में प्रॉब्लम है, जिसके पास सोल्यूशन होंगे जीत उसके। आपको दूसरा एग्जाम्पल देता हूँ, यहाँ एनसीआर में मुझे वो एग्जाम्पल बड़ा अच्छा लगता है। माइक्रोसॉफ्ट किसने बनाया? बिल गेट्स। अभी माइक्रोसॉफ्ट को पीसी में से हटा दो, तो आप सिस्टम पे क्या काम करोगे? गेम पावर पॉइंट बना लो, एक्सेल कर लोगे, वर्ड ये सब चीज तो ना माइक्रोसॉफ्ट का है, नहीं चलेगा? तो अगर माइक्रोसॉफ्ट नहीं बनता, सिस्टम आ जाता, कंप्यूटर आ जाता, क्या होता? ये बात बिल गेट्स को उस समय समझ में आई, बहुत यंग एज, जैसे आप और हम अभी बहुत यंग एज, उसने क्या करा, उसने इसका सॉल्यूशन, प्रॉब्लम थी सॉल्यूशन बनाया, माइक्रोसॉफ्ट बनाया और अपने आप को उनसे आगे रख दिया, यानी उसने आउट ऑफ द बॉक्स जाके काम किया और माइक्रोसॉफ्ट बना दिया। पूरी दुनिया को जाना था आईटी में, कंप्यूटर सेक्टर में, तो उसने माइक्रोसॉफ्ट आगे रखा तो दुनिया ऐसे चल रही थी, तो क्या हुआ, ये बढ़ते चले गए, ऊपर बढ़ते चले गए, ठीक है? अब यहाँ कोरिलेट कीजिए डीएक्सएम को, जब डीएक्सएम ने, अब प्रॉब्लम चारों तरफ है, हर घर घर में प्रॉब्लम है, ठीक है? अभी मेरे साथ ये सोनिका और आपका नाम क्या, अखिलेश मिले, ठीक है? अभी कितने दिन पहले, 15 दिन पहले शायद प्रोडक्ट लेके गए, है ना? 5,000-6,000 रुपए प्रोडक्ट लेके गए, पिछले कई सालों पहले यूज करते थे, फिर छोड़ दिया, शादी वादी हो गई इसमें यहाँ पे, ओके जी सर, एंड देन से याद आया डीएक्सएम, उन्होंने ज्वाइन किया और इन्होंने जो है प्रोडक्ट यूज किया। अभी इन्होंने लास्ट 2 मिनट एक बात बोली मेरे, सर प्रोडक्ट बहुत अच्छा लगा, सोनिका को भी बड़ा अच्छा लगा, मेरी मम्मी को भी बड़ा अच्छा लगा, ये बोला आपने? इन्हें नहीं पता मेरा 10 किलो खून बढ़ गया, इनका तो जो बड़ा बढ़ाई मेरा भी बढ़ गया, यानी मैं जो काम कर रहा हूँ वो प्रॉब्लम थी, लोगों को सोल्यूशन मिल रहा है। तो अब क्या होगा, ये हमें दुनिया ऊपर ले जाए, और इस सेगमेंट को बोलते हैं वेलनेस। चलो गाड़ी की सर्विस की और बात कर लेते हैं, गाड़ी की सर्विस कराते हैं हम सब लोग,
मेरा ड्राइवर बोल रहा था भैया 7000 किलोमीटर और चल रही है, और लेकिन उसके बाद 2-3 हज़ार के बाद गाड़ी सर्विस करानी है। एक गाड़ी सर्विस मतलब 10,000 रुपये, ठीक है, स्कूटर सर्विस मतलब 2,000 रुपये, बाइक सर्विस मतलब, ठीक है। अब इंजन है हार्ट, कार्बोरेटर लीवर, एयर फिल्टर लंग्स, ऑयल फिल्टर किडनी, और इसी तरह हमारे जितनी भी वगैरह जो पाइप्स वाइप्स हैं, ये सब हमारा पूरा फ्री है। क्या कोई सर्विस सेंटर में ना बॉडी की सर्विस होती है? यानी आपको जो भी आपकी सोसाइटी के लोग हैं उनसे पूछना है, तो अपनी बॉडी की सर्विस कराता है क्या? क्या बोलेगा आपका कोई, आपका फ्रेंड, आपके रिलेटिव क्या बोलेंगे? नहीं है, नहीं है। कोई सर्विस सेंटर, अच्छा सर्विस होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। बॉडी में लीवर की किडनी की हार्ट की सर्विसिंग होनी चाहिए। अच्छा कोई सर्विस सेंटर है तेरे पास नॉलेज में जहां तुम जाओ जरा मेरे लीवर के टॉक्सिन निकाल दो, किडनी के टॉक्सिन निकाल दो, है कोई ऐसा सर्विस सेंटर? नहीं, 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 नहीं है ना। नहीं, तो आपको बोलना है मेरे पास, मैंने एक ऐसी फ्रेंचाइजी ली है जिसमें बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स की सेंट्रल तरीके से सर्विस है। यस, क्या है हेल्थ कार्ड? योर कितनी छोटी सी, आपने टॉक से एक शॉपकीपर को, एक एटीएम में जो मिला था बंदा आपको, एक रिटेल में जो मिला था, जो स्ट्रेंजर था, एक ऑटो वाले को, एक पेट्रोल भरने वाले को, एक बिजनेसमैन को, एक आईटी के बंदे को, इस कॉन्सेप्ट के बारे में अपनी बात रखें। ये जो बात मैंने आपको बोली ना, इस बात को इम्प्रेसिव बनाने में मुझे कई साल बाद ये आइडिया आया। इतनी बात बोलना इम्प्रेसिव है या नहीं है? Yes, yes. Yes, yes. सामने वाला समझ गया ना? उसके बाद नो डाउट आप डिटेल में जाओ तो डिटेल में जा सकते हो, बट इतनी बात कहकर आपको उसे ब्रीफ इंट्रोडक्शन देते हैं, हमें टॉक्सिन डाला है बॉडी में उसकी सर्विसिंग के लिए, ये बात और बताइए तुम्हें। द डॉक्टर ऑफ द फ्यूचर विल नो लॉन्गर ट्रीट द ह्यूमन फ्रेम विद ड्रग्स, मतलब बहुत ज्यादा दिनों तक डॉक्टर्स दवाइयों के द्वारा आपको ठीक नहीं रख सकते, बट रेदर वी विल क्योर एंड प्रिवेंट डिजीज, बचा सकते हैं वो बीमारियों से, किस चीज से? न्यूट्रिशन के थ्रू, न्यूट्रिशन, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ये बात आप लोगों को बताना, भाई बहुत ज्यादा लंबे समय तक आप दवाइयों के द्वारा निर्भर नहीं रह सकते, अगर आपको क्या चाहिए? न्यूट्रिशन। अच्छा कौन सी हरी सब्जी में न्यूट्रिशन मिल रहा है? सारे जवाब आपको नहीं देने, आप लोगों से पूछो भाई कौन न्यूट्रिशन कहाँ से लेते हो, तुम आजकल तुम्हारी बॉडी को न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है? आई हैव अ न्यूट्रिशन, आप बात कर रहे हो लोगों से, खुद भी समझ रहे हो लोगों को। फादर ऑफ मेडिसिन जानते हैं हिप्पोक्रेट्स, अवर फूड शुड बी अवर मेडिसिन, हमारा भोजन ही हमारी दवाई थी। हम दूध पीते थे, फल खाते थे, ये हमारे लिए भोजन का काम करती थी, एंड अवर मेडिसिन शुड बी अवर फूड, एंड अवर मेडिसिन शुड बी अवर। आज के टाइम में हमारी वो दवाइयां देख लो, खाने की तरह सुबह दोपहर शाम खा रहे हैं लोग। देखिए कितनी बढ़िया बात बोली है रिटायर्ड फिजिशियन ने, एज अ रिटायर्ड फिजिशियन आई कैन ऑनेस्टली से दैट अनलेस यू आर सीरियस एक्सीडेंट, कुछ सीरियस या मेजर इमरजेंसी हो, तभी आप जाके किसी डॉक्टर के पास जाओ, डॉक्टर हॉस्पिटल जाओ, दवाइयां लो, एंड लर्न न्यूट्रिशन, हर्बल मेडिसिन, अदर फॉर्म्स ऑफ नेचुरल मेडिसिन, अदरवाइज आप जो है कोशिश करो नेचुरल और प्राकृतिक तौर से जीने की, नेचुरोपैथी से, फिजिकल एबिलिटी से। All drugs are toxins and all are designed only to treat symptoms. ये समझना जरूरी है। Modern science क्या कर रही है? बहुत अच्छी है। हम ये नहीं कह रहे हैं अगेंस्ट नहीं है उसके, पर काम क्या करती है? Symptomatic treatment. Symptom क्या बोलते हैं? लक्षण। लक्षण को, लक्षण आया तो मैं एलोपैथिक मेडिसिन दे दूँ। But Yanoderma या DSM के बने हुए जो हमारे प्रोडक्ट होंगे वो क्या काम कर रहे हैं? Causative treatment, जो कारण है उन पे काम कर रहे हैं, ठीक है। No disease, including cancer. Nobel Prize winner है ये scientist, Nobel Prize winner. क्या बोल रहे हैं आपको पता नहीं है, और कब दे दिया उन्होंने 1931 में ये research. क्या बोल रहे हैं? कोई बीमारी नहीं आ सकती. Can exit in alkaline environment. अगर आपका body का environment alkaline, alkaline मतलब समझते हैं क्षार, प्राकृतिक है, acidic नहीं, तला भुना मिर्च मसाले spicy वाला food नहीं, तो आपको कैंसर भी नहीं। आज जो बीमारियां बढ़ रही है हमारे एनवायरनमेंट, जो हमारा जो खान पीन है वो सब कुछ एसिडिक हो गया, ठीक है। क्या बोल रहे हैं? योर बॉडी इज एसिडिक, हियर इज अ वेरी सिंपल वे
टू एल्कलाइज योर बॉडी वेरी इंपॉर्टेंट. तो आप लोगों से क्या बोल सकते हो भाई, आज के टाइम में एसिड और बॉडी एसिडिक है तो आप बीमार हो जाओगे, इवन कैंसर भी हो सकता है तुम्हारे वाले 2-4-5-10 सालों में. तो मेरे पास एक ऐसी फ्रेंचाइजी के प्रोडक्ट है, मेरे पास एक ऐसा प्रोडक्ट है जो न्यूट्रिशन भी है और एल्कलाइन भी है. मेरे सारे डीएक्सएम के प्रोडक्ट कैसे हैं? एल्कलाइन. आप कॉफी पीते हो ठीक है, आप चाय पीते हो, कैसी है वो? एल्कलाइन. एल्कलाइन है. तो ये संदेश लोगों को बताओ, ये संदेश कितने लोगों को बताओ. हो सकता है जब आप लोगों से बात करेंगे, जरूरी नहीं सब लोग तैयार हो जाए, पर जो लोग तैयार होंगे उनसे ही आपका काम चलता चला जाएगा. मुझे 16 साल हो गए, 16 साल से जब से मैं लोगों को बता रहा हूँ, क्या सभी लोग मेरे तैयार हो गए थे? नहीं हुए. लेकिन आई एम कीप डूइंग, करता रहा मैं, करता रहा. तो क्या हुआ, फिर भी 1 लाख लोगों से ज्यादा का समूह बन गया. आज मेरी इस मेरे साथ लगभग 1 लाख से ज्यादा लोग एसोसिएटेड हो गए. ऐसे लोग तो जिन्होंने मुझे मना करी होगी वो लोग अब आ रहे हैं मेरे साथ, अपनी प्रॉब्लम्स में आ रहे हैं, और फिर सोल्यूशन हो गया, फिर वो काम पे लग रहे हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है. टाइम ही तो गया, हालांकि टाइम जाना बहुत नुकसान है. आप बिलीव नहीं कर सकते, आप एक बार खो दो टाइम तो कहां चला जाएगा वो, आप वापस नहीं ला सकते लाख रुपए में. बट आप आज से मत करो, अगला 1 मिनट भी आप मत करो, मैं अगला 1 सेकंड भी नहीं खराब करता अपना इस टेबल पर भी. क्यों? मुझे अभी लाखों लोगों को अभी अवेयरनेस पैदा करना है, मुझे लाखों लोगों की वेलनेस कंसल्टेंट बनाना है, मुझे लाखों लोगों की सोल्जर बनाना है. जैसे आज मैं यहाँ प्रेजेंटेशन दे रहा हूँ, आज मेरी भी टीम में कई हजार लोग प्रेजेंटेशन देते हैं. ये लोग सन्नों बिहार में मीटिंग्स करते हैं, ये लोग उसमें कौन सी जगह होती फरीदाबाद सूरत में मीटिंग करते हैं. मैं आपका पता हूँ क्या वहाँ पे नहीं आ पाता, पर ये वो सोल्जर्स हैं अपने आप, इनके भी सोल्जर्स और लोग बनते चले जा रहे हैं, इनके बाद एक सोल्जर बनता चला जा रहा है. ये सब आप जिस दिन आप काम करोगे आपके साथ सोल्जर्स बन जाएंगे. देखो बॉडी की रिक्वायरमेंट क्या, ऑक्सीजन चाहिए, न्यूट्रिशन चाहिए, एनर्जी. ऑक्सीजन नहीं मिल रहा, न्यूट्रिशन नहीं मिल रहा, एनर्जी नहीं. एनर्जी आज के लिए लोगों को क्यों, क्या मिल रहा है साथ में? ये टॉक्सिन्स जो है हमारी एनर्जी को खराब कर रहा है, और जो वेस्ट मटेरियल है वो बॉडी से.